हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS गुरु एकेडमी पर। एक बार फिर हम आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। बच्चों के अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि कुल कितने लोगों ने आवेदन किया है, कुल कितनी सरकारी सीटें हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं। हम आपको आज सारा क्लियर कर देंगे। कॉलेजों की फ़ीस कितनी रहती है, सरकारी कॉलेज की कितनी फ़ीस है और प्राइवेट कॉलेज की कितनी फ़ीस है, और पिछले साल कितने नंबरों पर सरकारी कॉलेज मिला था। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और मेन टॉपिक कि हम लोग तैयारी कैसे करें। आज हम सभी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कुल आवेदन जो बच्चों ने किया है वो 4,30,000 बच्चों ने आवेदन किया है इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो सरकारी सीट है वो है हमारी 30,000 केवल, और प्राइवेट सीट है 1,95,000। 1,95,000 प्राइवेट सीट है और 30,000 केवल सरकारी सीट है। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। फीस के बारे में बात करते हैं, सरकारी कॉलेज में लगभग 12,000 फीस होती है। पहले साल की 15,000 फीस और दूसरे साल की 12,000 फीस होती है, ये लगभग में है, ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ी बहुत ही। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज वाले पहले साल में लगभग 51,200 के लगभग लेते हैं और दूसरे साल में 31,000 के लगभग लेते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉलेजों में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले साल कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला था। तो पिछले साल 280 नंबर तक लगभग सरकारी कॉलेज मिल चुका था, परंतु इस बार जैसे कि कंपटीशन हाई है तो 300+ मानकर चलिए, 300+ मानकर चलिए आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से कीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा हमारा। इसमें हमारे दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर हिंदी या इंग्लिश को किसी को एक को चूज़ करना होगा। सेकेंड पेपर है जो, उसमें जीके आएगी। जीके के अंदर क्या होगा, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ईटीसी वगैरह होगा, काफ़ी सारी चीज़ होगी। जनरल साइंस में, सॉरी जनरल नॉलेज में वह कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर में फर्स्ट रीजनिंग होगा और सेकंड सेक्शन होगा, यानी कि बी सेक्शन होगा हमारा सब्जेक्ट। यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट आपके पास आएगा। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यदि आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स से है तो आर्ट्स से आएगा, कृषि से है तो कृषि आएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार 1/3 की, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। आपका पूरा पेपर 400 अंक का होगा। आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले पेपर 100 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का ही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है बाज़ार में, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिस्ट में जाकर देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर रोज़ रात 9 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ जर्नल साइंस हिंदी की क्लास भी पढ़ाई जा रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।